हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 2 को हिंदी में झिलमिल आपकी जो पुस्तक है उससे पार्ट 1 पढ़ा रही हूँ। ठीक है, प्रथम पाठ यहाँ पे देखिए। आपका ये पाठ बहुत ही सुंदर, यहाँ पे चित्र है एक और नाम ही है पाठ का, मेरा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय मतलब स्कूल, आपको मालूम है। और वहाँ यहाँ एक विद्यालय का चित्र है देखिए, और उस पर लिखा है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय जहाँ 1 से 5 तक के क्लासेस चलते हैं उसको प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। हमारे स्कूल भी में भी आपने देखा होगा ऐसे स्कूल है, फिर शौचालय होता है, कुछ खेलने के यहाँ पे देखिए बने हुए हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे इधर फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ यहाँ टीचर से बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, एक यहाँ पे बरामदे पे टीचर्स के साथ या शिक्षिका के साथ बच्चे बैठे कुछ पढ़ रहे हैं। और एक पेड़ है, वृक्ष है, जितने फूल पत्तियां हैं। सड़क के उस पार देखिए, बाउंड्री के उस पार कुछ घर हैं, फिर इधर नदी है, पहाड़ है। इस तरह एक बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य है और बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एक विद्यालय हमें दिख रहा है ना। कहीं भी कोई गंदगी नहीं, जैसे हमारा विद्यालय रहता है और हम लोग उसे साफ़ रखते हैं। तो इस चित्र में कहीं कुछ लिखा नहीं है, बस देख के ही हमको बातचीत करना है। ठीक है, अगर ये विद्यालय खुला होता तो मैं आप सबको एक एक करके बुलाकर बात करती, इस पर चर्चा करती, किंतु मैं अभी वीडियो में आपको मैं ही बता रही हूँ। आप भी देख के इन सब चीज़ को और इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, जो भी कुछ है वो तो मैंने बता दिया। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक घंटी टंगी हुई है, विद्यालय की घंटी, जिसको यहाँ बजाया जाता होगा और कक्षा लगती होगी। इसके अलावा कुछ है, ये बच्चा है, इसका पाँव जरूर ख़राब है, पैर, ताकि जिसे जिसके कारण उसे एक बैसाखी लेनी पड़ी है। यहाँ जो शिक्षिका हैं वो बच्चों से कुछ बातें कर रही हैं और इधर उंगली दिखा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बागवानी से संबंधित ही बातें बच्चों के साथ कर रही हैं। हाथ में उनके एक पुस्तक है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी उनके खेल का पीरियड होगा। कुछ बच्चे बागवानी के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह किसी कक्षा को अगर क्लासेस चल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, तो किसी कक्षा को गेम का पीरियड है और किसी का बागवानी का। हमें ये देख के समझ में इतना तो आ ही रहा है। इस तरह हम लोगों ने इस चित्र पे बहुत सारी बातें की। अभी भी बहुत अच्छा कुछ और बातें हैं कि बच्चे भी बहुत साफ एंड साफ और सुथरे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, और सभी के सभी बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, यानी जो स्कूल की पोशाक है उसी में आए हैं, जैसे आप लोग आते हो। तो एक आदर्श और एक अच्छा विद्यालय है ये, एक खूबसूरत विद्यालय है और हरा भरा भी है, पेड़ पौधे भी चारों तरफ हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, नदी है सॉरी। तो अब हम इस चित्र के बारे में हमने काफ़ी बातचीत कर ली, कुछ प्रश्न हैं इसके बगल में पीछे। अब आप आइए पेज नंबर 2 में और हम लोग इस पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है, पहला देखिए, आपको कैसे पता चला कि यह स्कूल का चित्र है या विद्यालय का? तो हमें कैसे पता चला, आप बताओ इसका उत्तर, क्योंकि इस पाठ का नाम ही है मेरा विद्यालय। इसके अलावा यहाँ एक विद्यालय बना हुआ भी है जिस पर लिखा है प्राथमिक विद्यालय, और ये देखते ही हम पहचान जा रहे हैं कि ये विद्यालय है। इस तरह ये 3 वजह है जिसके कारण हम इसे समझ गए कि ये विद्यालय पे है। दूसरा क्वेश्चन है, आप स्कूल में क्या क्या करते हैं? ये सब सिर्फ ओरली मैं पूछूंगी क्वेश्चंस और आपको उत्तर देने हैं, इसे लिखना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अगर मैं करूँ, आप स्कूल में क्या क्या करते हैं, तो शायद आप भी इसको देखिए यही सब करते हो बताओगे, कि कभी हम लोग खेल रहे होते हैं, कभी पढ़ रहे होते हैं, कभी बागवानी कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। इस तरह से ये सारी बातें हम लोग भी स्कूल में करते हैं। तीसरा है, मैडम जी बच्चों से क्या बात कर रही होंगी ये जो मैडम है? तो मैंने कहा ये उंगली इधर दिखा रही है, मतलब बागवानी से संबंधित ही कुछ विशेष जानकारी दे रही है बच्चों को, यही बात कर रही होंगी। और अगला क्वेश्चन है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, मतलब विद्यालय में या ऐसे भी आप कौन कौन सा खेल खेलते हो? तो ये चारों प्रश्न जो है मैं प्रश्न आपको ओरली पूछूंगी, मौखिक पूछूंगी, आप उसका उत्तर दोगे। यहाँ पे देखिए क्या है, पढ़िए और देख कर लिखिए, 3 वाक्य लिखे हुए हैं और उनके नीचे खाली एक स्थान है, इसी वाक्य को देख कर लिखना है, बस एकदम ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, तो कुछ करना नहीं है। तो पहला वाक्य है, स्कूल में घंटी है। इस चित्र में भी हमने देखा था यहाँ पे एक घंटी टंगी हुई है, तो इस स्कूल में या विद्यालय में घंटी है, तो आप भी इसको देख के लिखोगे ऐसे ही, स्कूल, फिर एक थोड़ा सा गैप में, फिर थोड़ा सा गैप, घंटी है, और एक पूर्ण विराम, ये देना नहीं भूलेंगे क्योंकि सभी बच्चे पूर्ण विराम भूल जाते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। क्वेश्चन फिर दूसरा, एक 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 चापा कल भी है। हम देखिए चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक चापा कल भी है, हमारे यहाँ तो नल है हम लोगों के स्कूल में, लेकिन यहाँ पे चापा कल भी है।
तो ये देखिए एक चापाकल भी है, फिर आप यहाँ लिखोगे ऐसे ही एक एक, फिर थोड़ा सा गैप दोगे, बनस्थान छोड़ोगे एक उंगली की, चापाकल, फिर एक उंगली का आप स्थान छोड़ोगे, फिर लिखोगे भी, फिर लिखोगे है, और ये पूर्ण विराम, क्योंकि लंबी लाइन आपको दी गई है, रेखा खाली स्थान इस पर काफ़ी जगह पे एक उंगली के गैप पे लिखोगे, सटा के बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, एक शब्द लिखने के बाद एक उंगली का गैप। और अगला लाइन है, एक बड़ा पेड़ है, हमने देखा था यहाँ पे एक विशाल बड़ा पेड़ है जिस पे घंटी टंगी हुई है, तो ये पंक्ति जो लिखी है इसको भी आप देख के यहाँ उतार लोगे। बस नीचे देखिए क्या लिखा है, चित्र देख कर लिखिए। अब आपको कुछ लिखने कहा जा रहा है, स्कूल में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है नाम लिखिए, यानी यहाँ जो स्कूल में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं पूरे सेंटेंस या वाक्य नहीं लिखने हैं, केवल उसके नाम। जैसे सबसे पहले मैंने, अगर हम कहते हैं घंटी, तो अगर हम देख रहे हैं तो घंटी, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो यहाँ देखिए ये लाइन में है लिखा हुआ घंटी, हम यहाँ से लिख लेंगे। स्कूल में जो जो दिख रहा है केवल उसका नाम लिखना है, तो हमने लिखा पहले घंटी, कॉमा देते हैं और फिर दूसरा लिखते हैं, और क्या दिख रहे हैं बच्चे, तो हम लिखेंगे ब च, आधा च आधा और पूरा च, संयुक्त एकार बच्चे, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या दिख रहा है, पेड़, पेड़ भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था पेड़। इस तरह जो जो चीज़ दिख रहा है हम कॉमा देके लिखते जाएंगे। चापाकल ये भी था वहाँ, तो चापाकल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षिका, शिक्षिका अगर आपको लिखना नहीं आता है तो ऐसे देखिए, छोटी की मात्रा तालब्य श, फिर छोटी की मात्रा अक्ष क में आकार का, शिक्षिका हमें दिख रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, फूल पत्ती झूले है ना, फुटबॉल शौचालय, ये सब हम लोग यहाँ देख देख के कॉमा दे दे के लिखते चले जाएंगे। बस ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये चारों प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लोगे, ये मौखिक पूछूंगी मैं, मुंह से इसका उत्तर पूछूंगी। ये तीनों को देख के लिखना है, कुछ करना ही नहीं है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा इसको, वन वन फिंगर्स के गैप पे। और स्कूल में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं, चाहे जो भी दिख रहा है आपको, तो कम से कम 5 से 8 या 10 शब्दों को लिखोगे यहाँ। ये आपका पहला पाठ आज खत्म, ठीक है, ऐसा करके मुझे जल्दी दिखाओ। ओके, थैंक यू।